इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार फिर से हरियाणा में तीसरे मोर्चे के गठन का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित के लिए उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। झज्जर के इनेलो कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने आए थे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चौधरी देवीलाल की जयंती समारोह का न्योता भी दिया। बाद में मीडिया से रूबरू हुए चौटाला ने कहा कि वह उनकी पार्टी जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए सभी को इकट्ठा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात ठीक है कि जनतंत्र में विश्वास रखता हुआ चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि हम सभी लोगों को इकट्ठा करें। इसी संदर्भ में मैं इन दो का इन्हीं सभी नेताओं से मिलूंगा और आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप आए, आप स्वयं अपनी आंख से देखेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के अग्रणी नेता आपको मंच पर बैठे हुए दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दो दिन के दौरे पे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ आएंगे। एसवाईएल को लेकर लंबे समय से हरियाणा और पंजाब का एक विवाद चलता रहा है और आज भी चल रहा है, तो उस विषय में आप क्या उनको चक्कर काटने की बजाय हमारे आयोग ने और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, पंजाब का मुख्यमंत्री आज आप पार्टी का उम्मीदवार है, वो बाइज्जत तरीके से हमारे हिस्से का पानी एसवाईएल नहर के माध्यम से हमें दे। अगर वो हमें पानी नहीं देंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो हमारा पानी दे। साहब, आप लगातार तीसरे मोर्चे की जब बात करते हैं तो ऊपर देश और देश की सभी